दोस्तों सब्सक्राइब करें हमारे इंडियन लीगल लीगल यूट्यूब चैनल को और दबाइए बेल आइकन हमारे हर नया लीगल वीडियो देखने के लिए। नमस्कार दोस्तों, आप सबों का इंडियन लीगल लीगल यूट्यूब चैनल में हार्दिक स्वागत है। आजाद भारत के इतिहास में दूसरी बार किसी महिला कैदी को फांसी दिया जाएगा। इसके पहले 1955 में महिला अपराधी रतनबाई जैन को 3 लड़कियों की हत्या के लिए फांसी दी गई थी। अमरोहा की रहने वाली सरनम अप्रैल 2008 में अपने प्रेमी के साथ मिलकर अपने ही सगे परिजनों की कुल्हाड़ी से काटकर हत्या कर दी थी। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने सरनम की फांसी बरकरार रखी थी। राष्ट्रपति ने भी सरनम की दया याचिका खारिज कर दी है। मथुरा जेल का फांसी घर 1870 में लगभग 150 साल पहले अंग्रेजों के द्वारा बनवाया गया था, जहां सरनम को फांसी देने की बात चल रही है। 1947 से लेकर अब तक इस फांसी घर में किसी महिला को फांसी पर नहीं लटकाया गया है। सरनम के इस फांसी वाले मामले को लेकर मथुरा जेल इस फांसी घर में अचानक सुर्खियों में आ चुका है। मथुरा जेल प्रदेश में इकलौता जेल है जहां महिला फांसी घर है। इस जेल में सिर्फ एक ही फांसी घर है जो महिलाओं के लिए है। रामपुर जेल में बंद सरनम के 12 साल का बेटा ने पुनः दया याचिका लगाई है, जो यह देखा जा सकता है कि इस बाबत कब तक और क्या फैसला होता है। अमरोहा के बामनखेड़ी की सरनम प्रेमी के साथ मिलकर माता पिता सहित 7 लोगों की हत्या कर अब जान बख्श देने के लिए गुहार लगाते हुए दोबारा दया याचिका दायर की है। सरनम की दया याचिका को जेल प्रशासन ने शुक्रवार को लखनऊ पहुंचा दी थी। सबनम की दया याचिका न्याय विभाग को भेजी गई है, जहां से राज्यपाल को जाएगी। और राजभवन से राष्ट्रपति को भेजा जाना है। माता पिता और मासूम भतीजे समेत 7 लोगों के मौत के घाट उतारने वाली घटना अमरोहा जनपद के बावनखेड़ी गांव की है। गांव में 14 अप्रैल 2008 को बेटी सबनम ने अपने प्रेमी सलीम के साथ मिलकर अपने परिवार को खत्म कर दिया था। इस जघन्य अपराध के लिए प्राइमरी शिक्षक शौकत अली की शिक्षा मित्र बेटी सबनम और उसके प्रेमी सलीम को फांसी की सजा हो चुकी है। सुप्रीम कोर्ट से पुनर्विचार याचिका के साथ ही राष्ट्रपति ने सबनम की दया याचिका को भी खारिज कर दिया है। अभी तक कोर्ट ने सबनम के डेथ वारंट जारी नहीं किए हैं, जिसके बावजूद भी रामपुर जेल में बंद सबनम को मथुरा जेल में बने महिला फांसी घर में फांसी पर लटकाने की तैयारी की जा रही है, जिसके फांसी के फंदे के लिए रस्सी बिहार के बक्सर जेल से मंगवाई जा रही है। सबनम को बचाने के लिए फिर से प्रयास शुरू किए गए हैं। सबनम के पैरवी करने वाले रामपुर जेल पहुंचकर दोबारा दया याचिका दायर करने के लिए आवश्यक प्रपत्र तैयार करके जेल प्रशासन को सौंप दिए गए थे। जेल प्रशासन ने सबनम की दया याचिका को लखनऊ में प्रमुख सचिव न्याय और अमरोहा जिला जज की अदालत में रिसीव करा दिया गया है। प्रमुख सचिव न्याय के यहाँ से दया याचिका राज्यपाल को भी भेजी जाएगी, जहाँ से दया याचिका राष्ट्रपति को जाएगा, जैसा कि समाचार है। अब एक नजर फांसी की प्रक्रिया पे भी डालते हैं। सबनम मामले में फांसी की चर्चा एक बार फिर पूरे देश में हो रही है। इससे पहले निर्भया के गुनाहगारों की सजा के वक्त लोग की जहन में फांसी की सजा को लेकर कई सवाल जहन में आए थे। दरअसल 1983 में सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के मुताबिक केवल रेयरेस्ट ऑफ द रेयरट के मामलों में ही सजा का प्रावधान है। सबनम की फांसी का वक्त भी बेहद करीब है। ऐसे में सबनम को फांसी देने की तैयारियों के बीच ये जानना और समझना बहुत जरूरी है कि भारत में फांसी देने का क्या नियम है। सजा मुकरर होने से लेकर डेथ वारंट जारी होने के बाद उस वक्त होता है जब जल्लाद मुजरिमों को फांसी देता है। जल्लाद आखिरी वक्त में दोषी के कान के पास आकर जो कहता है उसके बारे में बहुत कम लोग ही जानते हैं। फांसी की सजा मुकरर होने के बाद डेथ वारंट जारी होता है। दया याचिका के माध्यम से फांसी पर रोक लगाने के लिए गुहार लगाई जाती है। दया याचिका खारिज होने के बाद डेथ वारंट जारी होता है, जिसमें फांसी की तारीख और समय तय होता है। फांसी दिए जाने की आगे की प्रक्रिया जेल मैनुअल के हिसाब से होती है। बिना नियमों के पालन किए फांसी नहीं दी जा सकती है।
डेथ वारंट जारी होने के बाद कैदी को फांसी की तारीख के बारे में इत्तला दी जाती है। इतना ही ये नहीं जेल सुपरिटेंडेंट प्रशासन को भी जानकारी देते हैं। सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबा दें ताकि आपको सारी अपडेट्स मिलती रहें।